1950s में फोर्ड ने बनाई न्यूक्लियर कार, ये एक बार रिफ्यूल करने के बाद 8000 किलोमीटर चलने में कैपेबल थी। लेकिन क्या होगा अगर पूरी दुनिया में सभी गाड़ियां न्यूक्लियर से चलने लग जाएं? तो देखिए, इस सिनेरियो में गाड़ी को बार बार रिफ्यूल नहीं करना पड़ेगा, जिससे रिफ्यूलिंग का पैसा बचेगा। इवन कुछ ही सालों के बाद ग्लोबल वार्मिंग डिक्रीज होगी, क्योंकि कंबंशन इंजन से निकलने वाला मिलियंस ऑफ टन कार्बन खत्म हो जाएगा। लेकिन ये खूबसूरत नजारा इन गाड़ियों में लगे न्यूक्लियर रिएक्टर के ठंडा रहने तक है। अगर इस रिएक्टर को प्रॉपर कूलिंग नहीं मिली तो कई सिटीज में गाड़ियां ब्लास्ट हो जाएंगी, जिसके रेडिएशन से हजारों लोग मारे जाएंगे। इसलिए अब तक पब्लिक के लिए कोई न्यूक्लियर गाड़ी नहीं बनाई।